हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मुंबई वाले सर गाइज। आज हम लोग 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के कुछ जो आपके डाउट्स है उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के अभी भी कुछ डाउट्स है जो मुझे लग रहा है यहाँ पे क्लियर होने ज़रूरी है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, आपके जो डाउट्स है ये क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए बिना स्क्रिप्ट के एंड तक ज़रूर देखिए गाइज। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है एंड देन फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं जिसके आंसर करना मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और आपको भी फिर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और फिर आप लोग को एडमिशन में दिक्कत आने वाली है। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे जो भी वीडियो है ये प्रॉपरली देखिए और उससे पहले गए चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, सभी वीडियोज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है तो आपको ये टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो गए सर, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट थिंग कि आज मेरिट लिस्ट लगने वाला है या नहीं है उसके बारे में एंड किस तरह से मेरिट लिस्ट चेक करने का, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का क्या यूज़ होता है इसके बारे में। तो गाइज देखिए, सिंपली पहले तो यहाँ पे अपना जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है उससे लॉगिन कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है ये यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, अगर मोबाइल पर यूज़ कर रहे हो तो इस तरह से टैप्स है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अलॉटमेंट एंड एडमिशन स्टेटस दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आप लोग अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हो। अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है और इसके नीचे ही गाइस आपको आने वाला है जो भी आपका कॉलेज अलॉटेड रहेगा वो भी इधर ही टैब दिखाई देगा। तो बहुत सारे बच्चे हमें पूछ रहे थे कि ये कहाँ पे देखने का, किस तरह से देखने का, तो ये इस तरह से देखने का, लेकिन ये गाइस आज नहीं मतलब 19 जून को नहीं लगने वाला है, जो कि नया टाइम टेबल था जिसमें ये बताया था कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट 21 जून को लगने वाला है। तो 21 जून को मैं एग्जैक्टली ये पूरा लाइव करके बता दूंगा कि किस तरह से चेक करने का और क्या है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में अलॉटमेंट एडमिशन का टैब दिख रहा है वहाँ पे ही आपको कॉलेज अलॉटेड का एक टैब दिख जाएगा, वहाँ पे आप लोग सिंपली क्लिक कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसका यूज़ क्या होता है और इसमें क्या क्या चेक करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर राउंड वन के लिए ये जो आप लोग का गाइस यहाँ पे डिटेल्स चेक करने के हैं कि सब कैटेगरी वगैरह, ये सब स्पोर्ट कैटेगरी वगैरह या फ्रीडम फाइटर, ये सभी चीज़ें या अपना नेम वगैरह ये सब चीज़ें प्रॉपरली है या नहीं ये चेक करने का। और यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो नीचे एक मेरिट नंबर दिया गया है, इससे आप लोग को एक अंदाज़ा आ सकता है कि आप लोग मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता है या नहीं, ये सब चीज़ों के लिए ये दिया गया है, दैट इज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। बाकी इसका ज़्यादा कुछ यूज़ है नहीं है, तो ये गाइज आप लोग को इसके लिए यूज़ करने का। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको अपना जो भी लिस्ट है उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज कौन सा अलॉटेड हो रहा है ये आपको 21 जून को पता चल जाएगा। आई होप कि आपके जो 3 मेजर डाउट थे, लिस्ट कब लगेगा, कैसे चेकआउट करने का और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का क्या यूज़ है, ये क्लियर हुए रहेंगे। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।